वेलकम टू एकेडमी मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है ओमेगा ब्लॉगिंग देखो ओमेगा ब्लॉकिंग अलग अलग जगहों पे पाया गया है जिससे कि वेदर डिस्टरबेंसेस हुआ है इसकी वजह से फ्लड के इंसिडेंसेस हुए हैं ड्रॉट के इंसिडेंसेस देखे गए हैं तो हम देखते हैं कि ओमेगा ब्लॉकिंग है क्या ओमेगा ब्लॉकिंग की वजह से जो मेडिटेरेनियन रीजन है वहां पे फ्लडस की सिचुएशन बनी हुई थी दिस इज अ मेडिटेनियन सी क्योंकि यहाँ पे ओमेगा ब्लॉकिंग फिनोमेना देखा गया देन लीबिया लीबिया का जो एरिया यहाँ पे भी डिवास्टेटिंग फ्लड्स हुए थे तो ये सारे के सारे जो इंसिडेंट हुए सब ओमेगा ब्लॉकिंग की वजह से हुए हैं तो हम देखते हैं कि ये होता क्या है देखो ओमेगा ब्लॉक का मतलब होता है कि जब किसी एरिया में दो लो प्रेशर सिस्टम जो होते हैं दीज आर द लो प्रेशर सिस्टम उनके बीच में एक हाई प्रेशर सिस्टम इस तरीके से आ जाता है तो यहाँ पे ओमेगा की तरह यहाँ पे शेप बन चुका है ओमेगा क्या होता है दिस, ये वाला जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं ओमेगा तो ये ओमेगा टाइप का यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेशर सिस्टम तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है ओमेगा ब्लॉक तो जब भी ये ओमेगा ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन आती है मतलब कि दो लो प्रेशर सिस्टम के बीच में एक हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है तो उससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे जाते हैं जैसे कि हीट वेव्स बहुत हाई टेम्परेचर हो जाना ड्रॉट की कंडीशन फ्लड की कंडीशन ये सब वहां पर पाई जाती है जो ओमेगा ब्लॉकिंग होता है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेट स्ट्रीम्स तो हमें जेट स्ट्रीम्स को समझना जरूरी है कि ये क्या होता है देखो जेट स्ट्रीम्स आर ये है जेट स्ट्रीम जो आप देख रहे हो इस तरीके से दीज आर दी हॉरिजोटल विंड सिस्टम ये तो मेनली चार तरीके के दिखाई देंगे एक तो नॉर्थ पोल जेट सिस्टम एंड साउथ पोल दीज टू एंड देन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स देखो जेट स्ट्रीम क्या होते हैं हाई विंड स्पीड होती है इनकी स्पीड बहुत होती है थ्री हंड्रेड किलोमीटर पर आवर से ऊपर होती है एंड दे अकर इन बैंड ऑफ अपर एयर वेस्टरली इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अपर एयर में पा जाते ये नीचे सरफेस पे नहीं मिलते ये काफी ऊपर आपको मिलेंगे हाई ऑल्टीट्यूड पे ये मिलते हैं नैरो बैंड आपको दिखेगा आपको दिख रहा होगा कि बहुत नैरो बैंड में चलते हुए आपको दिखाई देंगे दीज आर द वेस्टर्लीज वेस्टर्ली का मतलब क्या होता है कि कोई भी विंड वेस्ट से अगर ओरिजिनेट हो रही है वेस्ट से ओरिजिनेट होकर वो ईस्ट में जा रही तो हम उसको बोलते हैं वेस्टर्ली तो दीज आर मेनली द वेस्टर्लीज कुछ जेट स्ट्रीम्स होती है जो ईस्टर्ली भी होती है बट जो मेजर जेट स्ट्रीम्स है वो वेस्टर्ली ही होती है अब इनको जो विथ है वो आपको मिलेगा लगभग 160 सिक्सटी टू फोर किलोमीटर की विथ होती है इनकी और थिकनेस आपको इनकी मिलेगी 900 से लेके 2000 तक थिकनेस मतलब कि इनका जो ऑल्टीट्यूड में कितना ये वर्टिकली कितने ये फैले हुए हैं ट इज थिकनेस नौ सो से दो हजार काफी ज्यादा ये फैले होते हैं वर्टिकली ये इतने ज्यादा इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तीन सौ किलोमीटर की स्पीड होती है तो इसलिए जब भी कोई भी एयरक्राफ्ट जाता है तो ये वाला जो रूट है यहाँ से वो जाना अवॉइड करते हैं देखो फॉर्मेशन कैसे होता है जेट स्ट्रीम बनती कैसे है जेट स्ट्रीम तब बनती है जब दो अलग टेम्परेचर के एयर मासेस मिलते हैं जहाँ पे वहां पे जेट स्ट्रीम बनते हैं जैसे की फॉर एग्जाम्पल ये पोलर एयर मास है अब ये पोल से आ रही है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा बहुत कम टेम्परेचर होगा इसका इट विल बी कूल जो सब ट्रॉपिकल एरिया से आ रही है आर एंड जो ट्रॉपिकल एयर है दिस इज हॉट एयर सपोज ट्रॉपिकल एयर जो है उसका टेम्परेचर लाइक ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है और जो टेम्परेट एरिया है वहां पे उसका टेम्परेचर सपोज 15 डिग्री सेल्सियस है और जो पोलर एयर है उसका लगभग 5 डिग्री सेल्सियस है अब ये अलग अलग टेम्परेचर की एयर है यहाँ पे अब जहाँ पे पोलर एयर इस टेम्परेट एयर से मिलती है जिसका कि टेम्परेचर में डिफरेंस है तो वहां पे पोलर जेट स्ट्रीम बनती है और दूसरा सब इस ट्रॉपिकल एरिया में जहां पर ट्रॉपिकल एयर जो कि हॉट है और टेम्परेट एयर जो कि वार्म है ये दोनों मिल रहे हैं इनका भी टेम्परेचर डिफरेंस है तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनेगी तो ये वहीं पे बनते हैं जहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मासस जहां पे मिलते हैं वहां पे जेट स्ट्रीम बनती है जेट स्ट्रीम का जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा होता है उसका रीजन ये है कि ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे चलते हैं देखो मेनली जो सरफेस पे जो विंड चलती है उनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है जैसे कि माउंटेन्स होंगे अर्थ के नियर सरफेस पे तो इस तरीके के इनको रेजिस्टेंस जब मिलता है तो इनकी स्पीड क्या होती है कम हो जाती है बट जो जेट स्ट्रीम है वो लाइक दो से तीन किलोमीटर ऊपर चलते हैं तो तीन चार किलोमीटर से ऊपर वहाँ पे इनका जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन का इफेक्ट कम हो जाता है वहाँ पे तो इनकी स्पीड हाई स्पीड हो जाती है लगभग तीन सौ चार सौ किलोमीटर से ऊपर स्पीड आपको मिलेगी तो जेट स्ट्रीम रिजल्ट फ्रॉम एग्जैक्ट बैलेंस बिटवीन कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट देखो सपोज कोई विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है हमेशा विंड का डायरेक्शन क्या होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो इस पे दो फोर्स लगते हैं एक तो कोरियोलिस है और दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट लगता है इसमें जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं एग्जैक्ट बैलेंस जब इन दोनों के बीच में होता है तो जो ये विंड जा रहा था लो प्रेशर की तरफ ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाता है तो ये ऐसे जाना छोड़ के अब ऐसे इस डायरेक्शन हो जाती है 90 डिग्री पे डिफ्लेक्शन इन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाता है तो इसलिए ये आइसो बार के पैरेलल चलना शुरू करता है आइसोबार का मतलब क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट को ही हम बोलते हैं उसके पैरेलल इट मींस कि इसके डायरेक्शन हो जाती है इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन हो जाती है बाकी के जो विंड है वो किस तरीके से चलते हैं वो ऐसे चलते हैं बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स लेकिन ये जो विंड है जेट स्ट्रीम ये चल रही है वर्टिकल अब इनका इंडेक्स साइकिल होता है जेट स्ट्रीम का कि ये बनते किस तरीके से हैं। देखो होता क्या इस, इसके तीन चार स्टेजेस होती है स्टेज वन इन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में कोल्ड एयर आती है पोल में क्या है टेम्परेचर बहुत लो है तो वहां की जो एयर होगी वो होगी कोल्ड एयर और नीचे ट्रॉपिकल एयर होती है वार्म एयर होती है अब ये मूवमेंट होता रहता है यहाँ पे वार्म एयर पोलर एरिया की तरफ जा रही है और पोलर कूल एयर जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया की तरफ आती है तो ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं अब ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये पहले तो इनमें ये मिक्स नहीं होते ये मिक्स क्यों नहीं होते क्योंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक अलग है इनमें थर्मल कॉन्ट्रास्ट है एक का टेम्परेचर बहुत कम है और एक का टेम्परेचर है ज़्यादा सो दैट्स वाई दे डू नॉट मिक्स अप ये एक तरीके से अलाइन हो जाते हैं ये देन इनमें क्या होता है अब यहाँ पे और भी विंड विंडो कर रही है जैसे कि यहाँ पे ईस्टरलीज है एंड वेस्टरलीज है आप यहाँ पे देखो पोलर ईस्टरली है पोलर ईस्टरलीज द लीज अब जो पोलर ईस्टरली है वो कोल्ड विंड को नीचे की तरफ पुश करते हैं और जो ये वेस्टरलीज है वो वार्म विंड को नॉर्थ की तरफ पुश करते हैं जब ये बहुत ज्यादा इनमें फोर्स लगता है ईस्टरली और वेस्टरली का तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रफ बन जाते हैं पोलर विंड काफी नीचे तक आ जाती है और जो ये सब ट्रॉपिकल वार्म विंड है वो काफी अंदर तक चले जाती है तो आपको इस तरीके से ये मिलेगा तो इसमें होता ये है कि ये जो लो प्रेशर एरिया है धीरे धीरे ये यहाँ पे अलग होने लगता है हाई प्रेशर एरिया से देखो फिर से समझते हैं पोलर यानी कि पोलर एयर है ठीक है और नीचे से क्या आ रही है वार्म एयर है अब ये वार्म एयर अंदर की तरफ पुश कर रही है नॉर्थ की तरफ और ये आ रहा है साउथ की तरफ तो इसमें इस तरीके से ट्रफ्स वगैरह बन जाते हैं और ये ये वार्म एयर अंदर पहुंच जाती है और ये जो कोल्ड एयर है ये काफ़ी नीचे तक आ जाती है तो इनका दोनों का प्रेशर डिफरेंट होगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है तो इस वजह से यहाँ पे बन जाता है जहां पे कि ये पोलर एयर एकदम नीचे तक आ जाती है यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाता है और यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर जोन तो क्या हो गया इसमें कि लो प्रेशर जोन सेपरेट हो चुका है एक हाई प्रेशर जोन की वजह से इसी को हम क्या कहते हैं ओमेगा ब्लॉकिंग ओमेगा शेप्ड वेव ओमेगा ब्लॉकिंग इस तरीके से यहाँ पे बनती है देखो होता क्या है कि लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन यहाँ पे अलग अलग तो हो चुके हैं उसके साथ ही यहाँ पे जेट स्ट्रीम नॉर्मली चलते रहती है जेट स्ट्रीम तो अगर जेट स्ट्रीम यहाँ पे प्रेजेंट है इस यदि जेट स्ट्रीम तो इसको ये परमानेंटली सेपरेट कर देती है और स्टेबल कर देती है अब यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे हाई प्रेशर जोन स्टेबल हो गया और यहाँ पे इन दोनों जगहों पे क्या हो गया लो प्रेशर जोन स्टेबिलिटी आ चुकी है स्टेबल हो जाता है काफी टाइम तक का ऐसे ही रहेगा मतलब की लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन यहाँ पे एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो चुका है या स्टेबल हो चुका है स्टेशनरी हो चुका है तो जो लो प्रेशर जोन होता है वहाँ पे हमेशा क्या होती है रेनफॉल होता है बहुत ज्यादा तो इन दोनों जगहों पे क्या होगा इन दोनों एरियाज में रेनफॉल होगा तो उससे फ्लड की कंडीशन हो सकती है बहुत ज्यादा एक्सेस रेनफॉल होने की वजह से क्योंकि अगर लो प्रेशर परसिस्टेंट रह गया यहां पे काफी दिनों तक तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी और उससे क्या होगा फ्लड की कंडीशन होगी अब जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया परसिस्टेंट है वहां पे ड्रॉट की कंडीशन होगी जहां पे भी हाई प्रेशर होता है वहां पे रेनफॉल नहीं होती कभी भी सो दैट्स फाई यहाँ पे परसिस्टेंट ड्रॉट की कंडीशन बनी रहेगी यहाँ पे तो इस तरीके से जो है ओमेगा ब्लॉकिंग है अब ये ब्लॉक हुआ क्यों बिकॉज़ ऑफ दिस जेट स्ट्रीम क्योंकि जेट स्ट्रीम ने उसको स्टेशनरी कर दिया है जेट स्ट्रीम यहाँ पे लगातार बने रहेगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर को इसने लो प्रेशर से अलग कर दिया और अब ये मूवमेंट भी नहीं होने दे रहा है इसमें तो जो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया वो वहीं पर रहेगा काफी दिनों तक और अपना इफेक्ट करेगा लो प्रेशर है तो वहां पर रेनफॉल होते रहेगा फ्लड की कंडीशन हो जाएगी और हाई प्रेशर है तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा हाई प्रेशर वाली जोन में तो वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन यहाँ पे बनी रह सकती है ओमेगा ब्लॉकिंग की वजह से काफी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे गए हैं पहले भी जैसे कि 2011 में पाकिस्तान में फ्लड की कंडीशन देखी गई थी नॉर्थ वेस्ट ईरान में दो में यहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ था फ्रांस और जर्मनी में 2019 में हीट वेव्स देखे गए थे देन बेल्जियम जर्मनी नीदरलैंड इन सभी जगहों पे काफी हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था तो इट वाज बिकॉज ऑफ ओमेगा ब्लॉकिंग और ओमेगा ब्लॉकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल होते हैं पे इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स